मेडिकल सीन में एक हैरान करने वाला केस सामने आया है, जहां एक 29 साल के युवक का शरीर धीरे धीरे पत्थर बनता जा रहा है। यह इतनी अजीब बीमारी है कि डॉक्टर भी हैरान है। यह मामला न्यूयॉर्क का है, जो सुच नाम के युवक का शरीर धीरे धीरे पत्थर जैसा होता जा रहा है। यह एक तरह का सिंड्रोम है जिसे फाइब्रोडिस्प्लासिया ऑसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा फॉप कहते हैं। इस बीमारी में चलना फिरना भी नहीं हो पाता है। डॉक्टर इसे जेनेटिक बीमारी बताते हैं, लेकिन यह इतना रेयर है कि 2 मिलियन लोगों में से किसी एक में होती है। जो ने अपने YouTube चैनल पर अपनी बीमारी के बारे में बताया, उनका कहना है कि अब तक दुनिया में सिर्फ 800 लोग ही इस सिंड्रोम की चपेट में आए हैं। अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं मिल पाया है। उनका कहना है कि जब जब उनकी हड्डियां बढ़ती हैं, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे उनके शरीर में चाकू घुसा जा रहा है। स्टोन मैन सिंड्रोम फाइब्रोडिस्प्लेसिया ऑसिफिकेंस प्रोग्रेसिवा एक आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें मांसपेशियां, लिगामेंट्स और टेंडन धीरे धीरे हड्डियों में बदल जाते हैं, जिससे इंसान का चलना फिरना मुश्किल हो जाता है। इस सिंड्रोम को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन इस समस्या को आम लोग नहीं जानते, इसलिए कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता है। इसे नवजात बच्चे के पैर की उंगलियों और अंगूठे की बारीकियों को देखकर समझ जा सकता है। इसके अलावा जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, लक्षण अधिक गंभीर हो जाते हैं। टिश्यूज धीरे धीरे धड़, पीठ, कूल्हों और अंगों तक नीचे की ओर अपना रास्ता बनाते रहते हैं। जब तक इंसान का पूरी तरह चलना फिरना बंद न कर दे, तब तक ऐसा होता रहता है। स्टोन मैन सिंड्रोम एक आनुवंशिक और लाइलाज बीमारी है। हड्डी को हटाने से केवल नई और अधिक दर्दनाक हेट्रोटोपिक हड्डियां डेवलप होंगी। मेडिकल साइंस ने कुछ दवाएं खोजी हैं, जिससे हड्डियों की ग्रोथ को धीमा किया जा सकता है। हालांकि ये पूरी तरह कारगर है या नहीं, इस पर सवाल उठता रहता है।